फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी आप स्कर्ट को, लॉन्ग स्कर्ट को आप कितने तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं। आपके पास स्कर्ट है बट आप एक ही वे में आप लोग यूज करते हो, मतलब स्कर्ट अप हो गया ऐसे आप लोग यूज करते हो, कुछ लोग सूट के मतलब कुर्ती और स्कर्ट पहनते हैं, लेकिन उससे और भी अच्छा अच्छा आप ड्रेसिंग सेंस बना सकते हैं। तो वो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, आप एक बार देख लो कितना अच्छे तरीके से आप स्कर्ट को यूज करके आप बहुत ही खूबसूरत सा आप एक कस्टमाइज ड्रेस बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 10 इस लॉन्ग स्कर्ट स्टाइलिंग टिप्स के बारे में, आप किस तरीके से लॉन्ग स्कर्ट को आप पेयर करके एक अच्छा सा स्टाइलिश आप ड्रेस बना सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ज्यादा देर नहीं करते हैं। लेट्स फर्स्ट नंबर हैक्स में आपको करना क्या है, आपको कुछ इस तरीके का शॉर्ट आपको क्रॉप टॉप लेना है, ठीक है। उसके बाद उसमें आप कुछ इस तरीके व्हाइट स्कर्ट ले सकते हो, आप अपनी जो भी आप ड्रेस बनाना चाहते हो कस्टमाइज, आपका कलर और ऊपर से ये कपड़े का जो फैब्रिक है वो मैच करके ही बनाइएगा, वरना वो अच्छा नहीं लगेगा। कभी ऐसा मत करना कभी जॉर्जेट हो और आपका टॉप है मतलब वो क्या कहते हैं हॉजरी कपड़ा, तो फिर वो आपका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं जाता है कि नहीं। तो ऐसे में आपकी ऐसी गलती नहीं करनी, ओके। तो मेरा यहाँ पे हॉजरी का कपड़ा है, क्रॉप टॉप है, देन उसके बाद मेरा ये स्कर्ट है कॉटन है, तो दोनों लगभग फैब्रिक जो है मैच कर जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको दोनों को पेयर करना है, ठीक है। उसके साथ में आपको इस तरीके का श्रग पेयर करना है, ठीक है। श्रग पेयर करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लुक निकल के आ रहा है, आप देख सकती हो कितना खूबसूरत लग रहा है इस पेयर को बनाने के बाद। ये मतलब इतनी लुक हो जाता है इंडियन वेयर में, बहुत ही परफेक्ट जाएगा, आप जरूर ट्राई कर सकती हो, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, कोई कह ही नहीं सकता ये अलग से आपने खरीदा है। वनली मतलब देखने से लग रहा है ये सेट है कि नहीं, तो अच्छा लग रहा है ना, प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा और इन्हांस कर लेते हैं ना, तो इसमें करना क्या है आपको, टू पीस अगर आपको एज ए टू पीस पहनना है तो आप इसको श्रग हटा दो, वनली स्कर्ट और टॉप पहनो, ये इंडो वेस्टर्न लुक में आ जाता है, तो ये भी लुक बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा ज्वेलरी कैरी कर लेते हैं इसके साथ तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। और कमर बंद पतली सी आप यहाँ पे कमर पे डाल सकती हो जो अच्छा लुक दिखाएगा। नेक्स्ट आप इसमें थोड़ा सा और इन्हांस करके आप ये भी एक और लुक ट्राई कर सकते हो, इंडियन वेयर में बहुत परफेक्ट जाएगा। अगर छोटी मोटी पार्टी है, बर्थडे उदे है, छोटा मोटा पूजा है, तो उसमें इस तरीके का लुक आप ट्राई कर सकते हो। इसके साथ वनली आपको दुपट्टा ऐड करना है, बस आपका ये ड्रेस रेडी हो गया, कितना खूबसूरत लग रहा है कि नहीं। और ये मेरे पास व्हाइट है, लेकिन व्हाइट इसलिए है क्योंकि व्हाइट जो है ना बहुत सारे कपड़ों के साथ हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी व्हाइट और ब्लैक जो होता है ना किसी कपड़े का बहुत अच्छे तरीके से वो चला जाता है और अच्छे तरीके से वो लुक दिखाता है। हर गर्ल के पास व्हाइट और ब्लैक स्कर्ट जरूर होना चाहिए, जो आपके सारे आउटफिट पे अगर मिक्स और मैच करते हो तो बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाता है कि नहीं, आप खुद ही देख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक्स की तरफ, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें आपको करना क्या है, स्कर्ट को बस आपको ब्रेस्ट तक ले जाना है जैसे मैं ले जा रही हूँ, और ब्रेस्ट पर कुछ इस तरीके से स्कर्ट जो है हग कर लेगा, और आपको टेंशन लेना नहीं है, आपको लगेगा स्कर्ट जो है नीचे गिर जाएगी बट गिरेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वो आपके ब्रेस्ट को पूरे अच्छे तरीके से वो हग कर लेता है, ठीक है। उसके बाद आप उसमें कुछ इस तरीके का श्रग पहने, जींस टाइप का या कोई भी आपके पास जो भी श्रग हो आप वो डाल सकते हो, क्योंकि जो ऑफ शोल्डर मतलब इतना रिवीलिंग जो नहीं पहनना चाहती है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, अगर इस तरीके से आप कवर कर लेते हो तो अच्छा लुक लगता है। दूसरी चीज आप कहीं भी पहने अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे। हाँ, फोटोशूट के लिए मुझे पर्सनली ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, मैं फोटोशूट वगैरह कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से अगर आप ड्रेसिंग सेंस करते हैं तो ये भी देख सकते हैं, बहुत ही हटके और अच्छा लुक आया है, ये पहन के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगर मैं ये रेड के साथ देख सकते हो पिक्चर्स में, मैं रेड के साथ पेयर की तो उतना खूबसूरत नहीं लग रहा है, बट जींस वाली स्ट्रक से मैं ट्राई की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप चाहो तो इसके साथ आप कुछ ज्वेलरी एड करके बहुत अच्छा लुक देगा, तो इस तरीके का भी आप लुक ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आपको इस हैक्स को करने के लिए आपको चाहिए होगा एक स्कर्ट, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो, बट मेरे पास यहाँ पे ब्लैक है तो ब्लैक कलर का स्कर्ट ले लेना है, ठीक है। और कुछ इस तरीके का आपको अंदर इनर वेयर के लिए आपको ब्रालेट टॉप लेना है जैसा मैं पहनी हूँ, कुछ इस तरीके का ब्रालेट आप टॉप ले सकते हो। अगर नहीं है आपके पास तो आपका जो टैंक टॉप है उसे भी एज अ ब्रालेट के तौर पे आप यूज कर सकते हो, बट थोड़ा सा सुई धागा चलाना पड़ेगा ताकि वो एक शेप में रहे, ठीक है। तो बस आप कुछ इस तरीके से DIY ब्रालेट टॉप भी बना सकते हो। देन उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का शेड आपको शेड टाइप का आपको
टॉप लेना है ये देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा लुक दे रहा है। या तो फिर अगर आप कमर जो है मतलब पेट रिवील नहीं करना चाहते हो तो आप पूरा कवर करके भी आप स्पैगेटी आप डाल के आप पहन सकते हो, तो ये भी लुक बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज कॉमेंट करके बताइए ये लुक आपको कैसा लगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक्स की तरफ। इसमें आपको करना है, आपको स्कर्ट लेना है ठीक है, उसके बाद उसके साथ आपको हाई वेस्ट स्कर्ट पहनना है, यानी कि आपको मतलब ब्रेस्ट और जो पेट है आपको उस बीच में आपको स्कर्ट को पहनना है ठीक है, और आपको टॉप को अंडर सेटिंग करके ही पहनना है। इससे क्या होता है को ऑर्डर्स वाले बहुत सारे इंडो वेस्टर्न ड्रेस का बहुत ज्यादा अभी लुक ट्रेंडिंग चला है और सेम पीस तरीके के कपड़े बहुत ज्यादा मिलते थे, तो वहां से मैं इंस्पायर्ड होकर मैं इस तरीके का ड्रेसिंग सेंस में ट्राई करती थी। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, ये भी एक कोऑर्डर्स अभी बहुत सारा जंप सूट वगैरह भी चला है, तो इस तरीके से भी आप ट्राई कर सकते हो जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और आप चाहो तो ऑफ शोल्डर पहनना चाहती हो तो आप ऑफ शोल्डर भी आप पहन सकती हो, जैसे आप देख सकते हो पिक्चर्स में इस तरीके का भी आप ड्रेसिंग सेंस अपना सकती हैं। अगर आप इंडियन वेयर में आप स्कर्ट के साथ पेयर करना चाहते हैं शूट के साथ, तो आपको इसके के लिए आपको इस टाइप का कट स्लीट वाली आपके पास कुर्ती है, तो इसमें आप इस तरीके का आप स्कर्ट लगाती हो पहनते हो तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लुक देता है और कंफर्टेबल भी हो जाता है। मुझे पर्सनली मुझे ट्रेवल में जाना हो या मतलब पूजा वगैरह हो तो उसमें इस तरीके का कपड़ा मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है, पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद और कंफर्टेबल भी हो जाता है। आपकी पैर भी मतलब फ्री रहते हैं, मतलब गर्मी नहीं लगता है, जैसे जींस वगैरह पहनते हैं तो पैर बंद जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है, तो मुझे स्कर्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगते हैं। तो कुछ इस तरीके का आप स्कर्ट आप पेयर कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप कुर्ती आपके पास है कुछ इस टाइप का जो नॉर्मल जो कुर्ती है, तो किसी भी कुर्ती के साथ आप स्कर्ट को पेयर करते हो तो ये भी कितना सुंदर लुक दे रहा है। आप देख सकते हो ये भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लुक है, और उसके साथ आप दुपट्टा कैरी कर लो जो इंडियन लुक बहुत परफेक्ट देगा और हेवी लुक देता है। आप इसी कपड़े को आप इस मतलब वो लेगिंग्स के साथ पहनो या मतलब पैजामे के साथ पहनो पटियाले के साथ पहनो तो वो अलग लुक देगा, लेकिन इसको स्कर्ट के साथ पेयर करते हैं तो ये बहुत अच्छा लुक देता है और हेवी लुक देता है। और मैं आपको बता दूं ये ड्रेस कोई देखता है ना सब कोई बोलता है ये ड्रेस बहुत सुंदर है, कहाँ से लिया क्या, ये सारी चीजें डिटेल्स मांगने लगते हैं। ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ बहुत लोगों ने इस ड्रेस को बहुत ज्यादा कम्प्लीमेंट दी है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो इस ड्रेस को मैंने सेट में नहीं खरीदा, ये ड्रेस मैं खुद से कस्टमाइज में बनाई हूँ, क्योंकि ये जो कुर्ती मैं आपको दिखा रही हूँ ये कुर्ती ये सृष्टि का है, मैं मॉल से ली थी और इसी 15 अगस्त पे ही ली थी पिछले साल, मॉल से ली थी मैं एबीबी से ठीक है। तो वहां पे ये कुर्ती मुझे पसंद नहीं है, बट मुझे एक बार मतलब एक जगह मुझे इंटरव्यू देने जाना था तो मेरे पास शूट कुर्ती नहीं थी, तो इसलिए मैं सोची एक मेरे पास कुर्ती होना चाहिए इंटरव्यू देने के लिए, तो इसलिए मैंने लाइट कलर इस टाइप का लिया, बट बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन इसके बाद मैं स्कर्ट के साथ पेयर की और उसके बाद एक दुपट्टा मैं कैरी कर ली, इतना खूबसूरत लुक देता है। और एक तरह से माना जाए अगर मैं सेट में भी मैं खरीदती तो आई थिंक 2000 पढ़ ही जाते, लेकिन ले देखे 1700 मुझे इस ड्रेस को पढ़ ही गया। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ड्रेस को किस तरीके से आप मिक्स और मैच करके आप इस तरीके का ड्रेस बना सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ये तो थी लॉन्ग स्कर्ट को कैसे आप मिक्स और मैच करके आप एक यूनिक सा ड्रेस बना सकते हो। लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रही हूँ मैं शॉर्ट जो स्कर्ट होती है उसे आप कैसे रियूज कर सकते हो डिफरेंट वे में। तो आई होप ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और प्लीज लाइक जरूर करना, क्योंकि एक बार में मतलब 7-8 ड्रेस पहनना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, इस मेहनत के लिए प्लीज लाइक जरूर कर देना। और वीडियो पसंद आती हो तो अपने फैमिली फ्रेंड और किसी भी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कर देना, इनफैक्ट गर्ल्स के साथ जरूर शेयर करना, उनको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन आ रही हैं और सारे मतलब सब कोई फेस्टिव सीजन में मतलब डिफरेंट कपड़े नहीं ले पाते, बहुत कम लोग हैं जो मतलब जो भी ओकेजन आते हैं, रक्षाबंधन हो गया, दिवाली हो गया, करवा चौथ हो गया, या तो फिर आपका मतलब ये दशहरा हो गया, तो उतने सारे कपड़े हमारे लिए मतलब बजट के नहीं होते हैं, तो ऐसे में कुछ इस तरीके से कपड़े को मिक्स और मैच करके आप फिर से आप रियूज कर सकते हो, क्योंकि एक ही कपड़ा पहनने में हाँ लड़कियों को थोड़ा सा होता है जो एक ही कपड़े को बार बार हम लोग पहनना नहीं चाहते, लेकिन हाँ पहने नहीं चाहते तो लेकिन उसको रियूज करके डिफरेंट वे में जरूर पहन सकते हैं कि नहीं। तो प्लीज कमेंट करके बताना आप लोग में से कौन कौन ट्राई करने वाले हो और इनमें से आपको कौन कौन सा आपको ये मतलब इस स्कर्ट्स को पेयर करके कौन सा आपको लुक अच्छा लगा ड्रेस, तो प्लीज कमेंट करके बताइए। एक और मैं गुड न्यूज मैं आपको बता देती हूँ, मेरा एक और यूट्यूब चैनल मैं क्रिएट की हूँ और मेरा चैनल का नेम है समीर दिलखुश,
तो उस चीज का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जो मेरा चैनल है, तो आप वहां पे जाके प्लीज उसे सब्सक्राइब कर देना, उस चैनल को भी आप लाइक शेयर कर देना और उस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और पहले इतना सारा बकबक कर दी, पहले ये तो बता दो वो चैनल है वनली, उस पर डांस होगा, मैं उस चैनल पर वनली डांस के वीडियोज में डालूंगी, हो सकता है मैं ब्लॉगिंग भी उसमें डालू, तो प्लीज आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए, आप मुझे और भी करीब से जान पाएंगे। वो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेते हो तो जब मैं न्यू वीडियो डालूंगी ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। जो मेरी चैनल के फैमिली मेंबर उनको तो पता है, वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप मेरी वीडियोज को मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे मिलती हूँ अकॉर्डिंग वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय।